Hello friends, I am Komal Yadav. Welcome to my channel Komal Education Wing. I hope you all are enjoying my lectures. Thank you. तो चलिए दोस्तों, आप सभी को फिर मैं स्वागत करता हूँ एप्टीट्यूड का ये लेक्चर सीरीज में. ठीक है, देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एप्टीट्यूड में. ठीक है, दैट इज, देखिए, लास्ट लेक्चर सीरीज में मैं सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ और उसका रिलेटेड कंसेप्ट खत्म कर चुका हूँ. ठीक है, तो आज मैं क्या खत्म करने जा रहा हूँ, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज हम लोगों को स्पेशली जो हम लोगों को ये अपना यूनिवर्सिटी है, दैट इज किट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी. ठीक है, अपना यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट्स में मैं एक्चुअली फोकस कर रहा हूँ. ठीक है, और कैट में भी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ कैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आप लोगों को दोनों तरीका से मदद हो सकता है मेरे लेक्चर से. तो मैं जो ये सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर अब कंपाउंड इंटरेस्ट में आया हूँ. ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे और समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन प्लेसमेंट्स में पूछा जाता है. ठीक है, और आप लोग ये वीडियो देखिए और प्लेसमेंट्स क्रैक कीजिए. मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं न ज्यादा पढ़ा रहा हूँ न कम. ठीक है, मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना प्लेसमेंट्स में पूछा जाता है, जितना कैट में. कैट का लेवल इससे और हाई है. ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ कैट का लेवल उससे भी हाई है एक्चुअली, लेकिन प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं. ये मैक्सिमम हो सकता है लेकिन मिनिमम प्लेसमेंट्स के लिए नहीं. तो आप लोग ये दिमाग में एक बार फिक्स कर लीजिए. ठीक है, तो देखिए हम लोग आज कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं. देखिए दोस्तों, तो एक बात बोल दूं, सबसे पहले आप लोगों का जो स्कूल का कंसेप्ट है, हम लोग बचपन से जो पढ़े हैं, ठीक है, उसका थोड़ा रिकैप कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे खत्म करेंगे. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है. देखिए, जो पढ़ना है प्लेसमेंट्स के लिए, मैं यहाँ ऑलरेडी नोट करके रखा हूँ. ठीक है, देखिए, दैट इज फर्स्ट में हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दिया जाएगा और बोलेगा फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज सीआई. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए मैं इस पर ये अगर देखिए दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, अगर हम लोग कंसेप्ट एक बार पकड़ लेते हैं दोस्तों, तो एनीथिंग वी कैन डू. कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट. तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है इसका कंसेप्ट समझ जाएंगे तो एनीथिंग वी कैन डू. आप लोग देखते जाइए कितना मजा आता है. तो ये तो फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट है. ठीक है, मैं फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप लोगों को एक नहीं, मैं चार चार तरीका सिखाऊंगा. ठीक है, एक जो जनरल मेथड हम लोग बचपन से किए हैं और तीन मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा, जिसके वजह से आप लोग विद इन अ सेकंड आंसर निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का. हम लोगों को वो बचपन जैसा कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है. ठीक है, लेकिन रिकैप कराने के लिए मैं सारा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं. ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले पढ़ेंगे फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट. आफ्टर दैट हम लोग जाएंगे फाइंडिंग रेट परसेंट, कि हम लोग रेट परसेंट कैसे पता लगाए. ठीक है, हम लोगों का जॉब ये है. उसके बाद पढ़ेंगे फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. आप लोग ऐसा क्वेश्चन हम लोग बचपन से सॉल्व करते हैं, उसको विद इन अ सेकंड कैसे एग्जाम में कर पाए, डबलिंग ट्रिपलिंग क्वेश्चंस. ठीक है, ये भी मैं डिस्कस करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर. ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं चलता हूं, लेट्स स्टार्ट दिस. ठीक है, फर्स्ट टास्क दैट इज द फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट. हम लोगों को फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट करना है. मैं बोल चुका हूं आप लोगों को, मैं फोर मेथड सिखाऊंगा जिसके वजह से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पता लगा सकते हैं. मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो अभी टाइप वन मेथड में बताने जा रहा हूं वो तो पक्का नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो बचपन से करते आए हैं. ठीक है, तो अभी वो कीजिए जो नया है और शॉर्टकट विद इन अ सेकंड हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पता लगा सकते हैं. ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि टाइप वन में रिकैप तो करा रहा हूं, लेकिन डोंट डू दिस इन एग्जाम. ओके दोस्तों, तो चलिए, टाइप वन क्या है. टाइप वन मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो बचपन से किए हैं उसी को रिकैप करा रहा हूं टाइप वन में. ठीक है, टाइप वन क्या पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज अवर टास्क, दैट इज टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो दोस्तों देखिए, यहां कुछ फार्मूला जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं वो फार्मूला मैं यहां रिकैप के लिए लिख रखा हूं. ठीक है, a इज इक्वल टू, दैट इज कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 के पावर n. ठीक है, ये क्या है, ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, दैट इज वन मतलब ये फार्मूला के लिए लिखा हूं. ठीक है, सेकंड मतलब इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन वी हैव टू यूज दिस फार्मूला. When interest is compounded quarterly, then we have to use this formula, okay, to find the amount. And once we can find the amount, then we know that we can find the compound interest. That is, compound interest is equal to how much? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ठीक है, तो इन दिस वी कैन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो ये कंसेप्ट है हम लोगों का, आसानी से हम लोग ये चीज पता लगा सकते हैं दोस्तों. ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन का बात है नहीं हम लोगों का. तो अगर हम लोगों को इसमें से अमाउंट पता लगा लेते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट वी नो, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट से ही हम लोगों को मालूम है. द सेम कंसेप्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट जो पता लगा लेंगे माइनस प्रिंसिपल जो हम लोगों के पास रहेगा. ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट एंड इन दिस वे, ठीक है, इन दिस वे वी कैन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द कंसेप्ट हियर.
अब हम लोग क्या चलते हैं, देखिए तो अगर हम लोगों को बोलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पता लगाना, तो सबसे पहले टाइप वन ऐसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पता लगा सकते हैं। ये हम लोगों का जो ओल्ड मेथड है, जो बचपन से करते आए हैं वो है, तो हम लोगों को ये करना नहीं। मैं आप लोगों को बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये भूल कर भी मत कीजिएगा, ये टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग टाइप टू, टाइप थ्री एंड टाइप फोर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें क्या करेंगे कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पता लगाएंगे विद इन अ सेकंड। ये आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये लेक्चर में टाइप वन में खत्म कर लिया, जो कि हम लोगों का जनरल मेथड है। अब टाइप टू बताता हूं और उसके जरिए मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या कंसेप्ट में क्या थोड़ा डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था ये ऑलरेडी बता चुका हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है मैं टाइप टू से आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, दैट इज द टाइप टू मेथड टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, यहां देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज टाइप टू। ये टाइप टू में क्या है, टाइप टू में ये पढ़ने जा रहा है कि फाइंडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग अनदर मेथड, दैट इज शॉर्टकट, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ऑलरेडी मैं यहाँ क्वेश्चन एक लेकर आया हूँ, हाउ टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, हम लोगों का ये क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट पता लगाना है। तो टाइप वन में तो आप लोग सीधा फॉर्मूला में पता रखिए, ठीक है, और ये दिया है हम लोगों का, दैट इज टाइम इज इक्वल टू थ्री इयर्स, कंपाउंडेड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, तो जो फॉर्मूला लिखा था उसमें अमाउंट पता लगाइए, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस व्हाट द प्रिंसिपल एंड यू कैन फाउंड द कंपाउंड We can find the compound interest so easily, ठीक है? तो ये concept हम लोगों का clear होता है। अब type two में मैं ले जा रहा हूँ आप लोगों की shortcut में, within a second हम लोग कैसे पता लगे, चलिए तो बिना time waste किए हम लोग start करते हैं ये concept। तो आप देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले ये जरिए आप लोगों को compound interest का जो concept है वो भी दूंगा। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ प्रिंसिपल कितना दिया है 4000, और एक बार और मैं रिमाइंड करा दूं कि मैं बोला हूँ आप लोगों को कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो सिंपल इंटरेस्ट हो, प्रिंसिपल इज इक्वल टू हम लोग 100% लेकर चल रहे हैं, तो कंफ्यूजन मत होइएगा क्योंकि आगे ये कंसेप्ट मैं बहुत यूज करूंगा, ठीक है। तो देखिए टाइप टू में सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल क्या दिया है 4000, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4000, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें हम लोगों का क्या है, कितना जो रेट है कितना है 10% to 10%, ठीक है। तो व्हाट इज द 10% ऑफ 4000, दैट इज हम लोगों का कितना आएगा 400, तो 400, ठीक। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, दैट इज फर्स्ट ईयर। देखिए एक बात आप लोग यहां ध्यान से सुनिए, ये हम लोगों को जो फर्स्ट ईयर मतलब हम लोगों को तो यहां टाइम क्या दिया है 3 इयर्स, तो पहला ईयर के लिए हम लोगों का क्या हुआ, ये इंटरेस्ट हम लोगों का आया, दैट इज 10% ऑफ क्या कर दिए 400 कर दिए 4000 कर दिए, तो हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इतना आया। देखिए तो फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करें अथवा सिंपल इंटरेस्ट करें, याद रखिए फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, यहां अगर सिंपल इंटरेस्ट भी करते तो यही आता, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट ईयर के लिए। तो आप लोग याद रखिए ऐसा ऐसा छोटा कंसेप्ट हम लोगों को बहुत काम लगेगा आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वक्त, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब सेकेंड ईयर के लिए जाते हैं, सेकेंड ईयर के लिए देखिए कमान कमान हेयर फोकस दोस्तों, कमान दिस इज द कांसेप्ट, इफ यू अंडरस्टैंड दिस यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर, ठीक है, दिस इज द मेजर पॉइंट। अब देखिए मैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर है ये आप लोगों को बताता हूं और चुटकी में समझाता हूं। देखिए दोस्तों यहां अब क्या है, यहां कि देखिए मैं यहां जो सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल लिखने वाला हूं, मैं सिंपल इंटरेस्ट में वो प्रिंसिपल हम लोगों का चेंज नहीं होता था, अगर यहां 4000 है तो मैं 4000 लिखता था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में यही एक अंतर है। अब क्या होगा, जो पहले हम लोगों का 4000 शुरू का प्रिंसिपल था और जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया फर्स्ट ईयर के लिए, ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर, दिस इज द कांसेप्ट, नॉट इट। तो अब 4000 प्लस 400 दैट इज हाउ मच 4400 दैट इज 4400, ठीक है, दिस इज द नाउ दिस विल बी द प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर, तो दिस इज द कांसेप्ट हियर, ओके। तो अब देखिए अब ये सेकंड ईयर के लिए फिर 10% मैं लगाऊंगा 10% रेट, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, देखिए दैट इज 10% करूंगा तो क्या हो जाएगा 10 कैंसिल, दैट इज 440, तो 440 अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ये सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट इतना हुआ, ठीक, इंटरेस्ट इतना हुआ, तो अब जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो उसके लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, नया प्रिंसिपल कैसे, दिस प्लस दिस इंटरेस्ट विल बी एडेड इन दिस प्रिंसिपल फॉर द न्यू प्रिंसिपल, तो 4400 ईयर करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 4840, दैट इज 4840, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम लोगों का हो जाएगा। अब देखिए तो ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकंड ईयर के लिए, अब थर्ड ईयर के लिए भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10%, इसका 10% करेंगे तो क्या हो जाएगा 484, तो ये हम लोगों के लिए फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट हुआ, ये हम लोगों के लिए सेकंड ईयर, ये हम लोगों के लिए थर्ड ईयर, तो देखिए दिस इज द कंसेप्ट हियर। तो अब अगर हम लोगों को प्रिंसिपल निकालना है, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, अब हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो देखिए तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हुआ, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट इतना हुआ,
थर्ड ईयर का इंटरेस्ट इतना हुआ, तो अगर ये तीनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो अगर ये तीनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 840, तो 840 और ये कितना हो जाएगा 484, तो 484, तो अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 12 = 2 + 1 = 1324, तो 1324 इज इक्वल टू द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो विद इन अ सेकंड वी कैन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इन दिस वे। तो दिस इज द कांसेप्ट, ऐसे चुटकी में हम लोग कैसे पता लगा ले, क्योंकि हम लोगों को यही काम है कि कितना फास्ट बना पाए। अगर जितना फास्ट बना पाता है प्लेसमेंट्स में हम लोगों को उतना ही आसान हो जाएगा एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम लोग टाइम वेस्ट ज्यादा कर देते हैं, अपना पुराना मेथड जनरल मेथड करने लगते हैं। तो ऐसे करेंगे तो कैसे टाइम बचेगा, तो ऐसे टाइम बचे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर देखिए दोस्तों, अगर हम लोगों को इसमें अमाउंट पता लगाना होगा तो अमाउंट तो आप लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू, तो हम लोगों को मालूम है कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस व्हाट द प्रिंसिपल, तो ये मालूम हो गया 1324 कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मालूम है, दैट इज हाउ मच 4000, तो 4000 दैट इज द आंसर। तो ऐसे भी अमाउंट निकाल सकते हैं, अथवा डायरेक्ट हम लोग देखिए अब हम लोगों का क्या होगा 10%। अब हम लोग अगर फोर्थ ईयर में जाएंगे, फोर्थ ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाएंगे, तो नया प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 10 + 10, तो 10 + 10 विल बी द सेम एज 10 + 10। तो दिस इज द कांसेप्ट, यहां से भी डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं, यहां से भी डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं, आप लोग जैसे अमाउंट निकालिए, ठीक है। तो कंसेप्ट पकड़िए कि क्या हो रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या है। एक और बात मैं बोला कि फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर एनी सम विल बी इक्वल टू द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दैट सम, सेम कांसेप्ट। फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी उतना ही आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी उतना ही आएगा। तो ये कांसेप्ट छोटा छोटा बात को पकड़िए आप लोग, ठीक है। मैं जो बार बार बोलता हूं, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं, मैं जो बार बार बोलता हूं आप लोग भी बार बार उसको कैप्चर कीजिए। जितने बार आप लोग घुसाएंगे उतना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, उतना दिन के लिए याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये टाइप टू भी टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों का कंप्लीट होता है। तो मैं यहां टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग फर्स्ट टास्क कर रहे हैं, और फर्स्ट टास्क में हम लोगों को टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट मैं फोर टाइप ऑफ मेथड टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बताने वाला हूं, जो कि टाइप वन जनरल मेथड ऑलरेडी डिस्कस्ड, टाइप टू द कॉन्सेप्ट, एक्चुअली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट नाउ ऑलरेडी डिस्कस्ड, अब टाइप थ्री एंड टाइप फोर है, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक लेक्चर बहुत बड़ा बनाना नहीं चाहता, आप लोगों को बोर फील होगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।